All right, G. Once again, welcome back. And आज let's see, Nazia क्या बना रही है? Nazia क्या बना रही है आज आप? आज मैं बहुत special omelette बना रही हूँ. Omelette? Yes. Wow. सुबह omelette. सुबह सुबह ही omelette होता है असल में. There you go. That's it. नहीं मेरी सुबह 6 बजे होती है ना तो इसलिए. हाँ तो मैं इस वक्त lunch का time है. इस वक्त तो lunch का time होता है. All right, G. अच्छा कराची वालों के लिए इस वक्त जरा सुबह होती है. और स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है वो आराम से उठते हैं क्योंकि वो लेट काम करते हैं. Of course, बहुत देर तक होता है. 10:30 बजे तक तो शॉप्स यहाँ पे बंद होती हैं. तो खैर जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो हम स्पेशल ऑमलेट बनाएंगे लेकिन ये आप ब्रंच पे भी और लंच पे भी यूज़ कर सकते हैं. okay. ये इतना मज़ेदार होता है. इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सारे हैं तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. इसमें हमने चिकन यूज़ करेंगे जूलियन और तकरीबन हमने एक भर के कप ले लिया चिकन ऑमलेट. चिकन चीज ऑमलेट विद ऑल द मिक्स वेजिटेबल्स एंड ऑल. गार्बांजो बीन्स आल्सो. ये जो है ना ये पीज है, चिक पीज है. गार्बांजो या हां ये जो है ना इसको हमने पहले बॉईल कर लिया. बॉईल करके मैं तो उसको बॉईल करके अक्सर रख भी देती हूं तो उसको फ्रेशली जो फ्रिज से निकाल कर फिर फ्रीज कर देती हूं. फ्रीज के बाद निकाल भी सकते हैं क्योंकि इसको बॉईल करना बार बार जो है ना काफ़ी टाइम लगता है. अच्छा फिर हमने जो है अच्छा इसको मैं बॉईल करने का तरीका बताती हूँ. रात में आपने जो है ना अगर ये एक कप ले मैं इससे भरा हुआ कप ले लेती हूँ और उसमें चुटकी भर सोडा डाल के रख दिया और सुबह जब बॉईल करते हैं तो फिर वो बॉईल होता है वरना फिर ये कि सॉफ्ट हो जाता है. अच्छा इसके अलावा ये कि मैंने टमाटर लिया है, प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है, चेडर चीज़ लिया है, आलू लिए. आलू को डाइस कट करके फिर बॉईल करना है. ठीक है पहले डाइस कट करना है फिर बॉईल करना है. अच्छा उसके बाद अलावा मैंने नमक, काली मिर्च, मेथी, लाल मिर्च कुटी हुई और मैंने जो है ना बटर ले लिया. अच्छा okay. सबसे पहले हमने ऑयल लिया चीज़ आल्सो. या चीज़ मैंने बता दिया चेडर चीज़ हमने ले लिया. अच्छा अब हमने क्या करना है सबसे पहले तो हम चिकन लेंगे और चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है. थोड़ा सा फ्राई करते हुए हाँ अब आप कर लें आप मेरी हेल्प करते हैं मुझे. नहीं इस्तेमाल कर सकता यार ये अजीब से ऐसे लगता है लंगड़ा हुआ हुआ ये अच्छा वेरी बैड. क्या कह रहे वेरी गुड ना है ना दिस इज गुड. इधर आओ ये बना ये लो वेरी गुड तो हाँ तो वेरी गुड तो बनाएगा ये. हाँ ये दूध मुझे दे दे. दूध भी चाहिए आपको? अंडे में डलेगा ना अंडे. ओ वाओ ओके हाँ और क्या सी देयर यू गो कीप डूइंग इट बस्टर्ड. और क्या आई एम हियर फॉर नो प्रॉब्लम. नहीं तो आप तो वैसे भी ख्वातीन की कोई बात नहीं टालते मेरे दोस्त. मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी. एक्चुअली आप ये कह चुके थे ना कि बहुत अच्छा है ये अपनी जान पे खेल जाएगा बच्चा. अच्छा। ये आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करेगा. बट इट इज राइट बेटा नहीं मैं तो मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बड़ा हुआ हूँ. ये इतने ही थे और मैं बड़ा हुआ हूँ इनके साथ बड़ा हुआ हूँ ये इतने बड़े ही थे. अच्छा जी ये हो गया ना चिकन. अच्छा नहीं करो मैं खुद कर लेती हूँ. नहीं मैं कर देता हूँ मैं कर देता हूँ. जा थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया. चाहिए दूसरा चमचा निकाल देती. नहीं नहीं ओके रियली हाँ इट्स ओके कोई इशू नहीं. मैं साहिर की बात मैं नहीं डाल सकती. देयर यू गो दैट्स इट हो गया ना बस. देखो ना ये चमचा आया ना दिस इज व्हाट चमचा शुड बी. थोड़ा वो है गीला है लेकिन कोई बात नहीं वो नहीं होता. दिस इज व्हाट चमचा शुड बी. अच्छा इसी में ना हमने क्या करना है आलू. हमने आलू डाल देने हैं तकरीबन एक कप चिकन है एक कप आलू ओके बॉईल किए हुए ठीक है डाइस कट करके. मुझे लगता है बहुत अच्छा बनने वाला है डिफरेंट बनेगा. यस बहुत अच्छा बनेगा. तो आज टेस्ट करें आप जैसे मर्जी कर लें. आई एम हैप्पी विद माय स्पून एक्चुअली. हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती थी इसमें तो आपके जो है ना अच्छा मानना पड़ता ना. अच्छा फिर हमने क्या किया हमने बहुत बारीक जो है ना चॉप की हुई प्याज ली. अनियंस डाल दें. हाँ तकरीबन okay. मैंने दो चमचे भर के ये डाल दिए. ओके और मैंने मोटी भी रखी है प्याज okay. दोनों so which one? फ्लेवर के लिए टेस्ट के लिए दोनों रख अच्छा, दोनों डालेंगे. अच्छा इसको फिर हमने ओके एंड टमाटर टमाटर भी डाल दिया क्योंकि चिकन इज ऑलरेडी डन. एक कप हमने डाले तो तीनों का रेशो हमारा एक एक कप हो गया.
मुझे पता है ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन एक सेकंड में मैं मक्खन भी डाल दूँ इसमें। छेती कर लो बस, ऐ हो गया ना। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। एक छोटा सा ब्रेक है, आप जाएं जी कमर्शियल्स देखें, लेकिन जाएगा कहीं नहीं, हम लोग बहुत जबरदस्त। हाँ, क्योंकि अभी तो अंडा बनना है। हाँ हाँ, दूंगा दूंगा, आ रहे आ रहे वापस आ रहे। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, तुम्हारी तुम्हारी रेसिपी को कुछ नहीं होने वाला। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ग्रेट बैक। All right, जी, once again, welcome back. And अब हम तैयार हैं, हमारा जो फिलिंग है वो बन चुकी है, यहाँ पर ये फिलिंग बन चुकी है। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं अंडा बना रहे हैं। इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी थोड़ी सी, बिल्कुल चुटकी भर। अच्छा, फिर हमने तीन अंडे लिए, तीन अंडे के अंदर हमने नमक और काली मिर्च थोड़ा सा ऐड कर दिया है। okay. और साथ ही मैंने जो है दूध थोड़ा सा, इसको तकरीबन तीन अंडों में आधे से भी आधा कप, 1/4 कप जो है ना वो ऐड हुआ है। अच्छा, फिर हमने लेना है ऑयल। ठीक है, ऑयल ले लेंगे, इसको हल्का सा जो है ना, नॉन स्टिक पैन का ये होता है कि बस ये जो है ना आपका ऑयल में भी बन जाता है चीज़। अच्छा, फिर हमने इसमें डाल देना है अंडा। पूरा डाल दिया? पूरा डाल दिया। ओके, सब ये लोग समझते हैं कि किस तरह से ये जो है बनेगा, तो इसके लिए हमें हल्का सा आंच तेज करनी है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं ताकि जल्दी पक जाए, वरना ये स्लो आंच में ही बनता है असल में। ओह रियली? हाँ, इसको मैं देखा थोड़ा सा ये हिला रही हूँ। बस वो जगह जगह उसको बना रही हैं ताकि वो जगह बनाए, ताकि ये जो है इसकी जगह जो है वो बन जाए, ताकि जल्दी पक जाए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। इसको मुझे दिखाना है, हम आँच ज़रा तेज़ी कर लेते हैं। ये देखें ना, इसकी जगह बनती जा रही है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि अंडा जो है जब इस तरह बनाया जाता है तो इसकी एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये टूट जाता है, टूट जाता है। दूसरा ये कि एक और जो मसला आता है वो ये कि कच्चा ना रह जाए। देखिए, अंडा जो है ना उसको आपने थोड़ा सा कच्चा पक्का ही खाते हैं, जो हम बिल्कुल पका देते हैं कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल जल जाता है, वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा पक्का। अच्छा, ये हल्का सा जो है ना, ये देखिए आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा कच्चा कच्चा ही है। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम चीज़ डाल देंगे। ओके, ठीक है, ये पक जाएगा, ये ना सोचे पकेगा। ठीक है, हमने इसमें चीज डाल दिया। ओके, और हमने फिर फिलिंग ऐड ऑन करेंगे। और फिलिंग जो है इसकी बस इसी साइड पर ही थोड़ी सी, हाँ, और थोड़ी सी ऐड ऑन कर दें। और मुझे अच्छे बड़े चमचे की ज़रा ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अब हम इसको, हाँ ठीक है, इतनी और डाल दें, बिल्कुल सही सही सही। ओके, ठीक है, अब हम इसको जो है पलट देंगे। और हमने आँच है बिल्कुल आहिस्ता करते हैं, मैं जरा से इस तरफ आना होगा। आप इस तरह आंचर नहीं, मैं यहाँ से, चल हाँ यहाँ से कर। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। यू वांट मी टू होल्ड दिस? यस। ओके, इसको हम पलट देंगे। ठीक है, अब ये पलट के इसकी मैं वैसे आँच बंद कर रही हूँ, मैंने तेज़ कर दिया था, लेकिन अब इसको हम जब इसको स्टीम देंगे ना, तो जो अंदर का जो अंडा होगा ना वो भी सारा ये पक जाएगा, पक जाएगा, और इसकी जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी। okay. इसको यूजली, इसको ये होता है, मैंने भी इसको आँच तेज़ कर दी, इसको बिल्कुल हल्की आँच पे पकाना होता है, और थोड़ा सा जब ये पक जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको आप पलट देते हैं, और पलटने के बाद फिर इसको आपने थोड़ा सा स्टीम दे दिया। okay. चाहे तो नीचे तवा रख दें स्टीम के लिए, चाहे तो वैसे स्टीम दे दें। दो मिनट है, दो मिनट के अंदर रैप करना बस, हम इसको निकाल लेते हैं ना। ओके, निकल जाएगा इसी में, इसमें निकाल। हटा ले? हाँ, हटा ले। ओके, एंड डू नॉट वरी कि ये पका नहीं है। नो नो, इट्स ओके। अच्छा, वो दे। नाइस, वेरी वेरी नाइस, रियली डिलीशियस एंड रियली वेरी नाइस। ऑमलेट हमारा तैयार है। अब इसकी सर्विंग का, अब जब आप करेंगे तो साइड पे इसको भी, हाँ, ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, ये तो पूरा मील है यार। yes, ये तो सुबह yes, नाश्ते yes, में yes, आप तो बड़े आराम से खा सकते हैं। आराम से, हाँ, मतलब अच्छा, बाज़ इस तरह होता है जिस तरह बहुत ज़्यादा जर्दी नहीं खाते हैं लोग, तो वो दो सफेदी ले लें, एक जर्दी ले लें, इस तरह भी। लुक्स नाइस भाई, इट्स फुल मील एक्चुअली, इट इज एक्चुअली। अच्छा, और मज़े की बात ये, अंडा आप थोड़ा थोड़ा सा ले लें, थोड़ा थोड़ा सा आप ये जरूर, जो इसकी फिलिंग है ये बड़े मजे की लग रही है, ये जरूर आप खा सकते हैं। टोस्ट के साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे आप गार्लिक ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। सो दिस इज ऑल डन। नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। हां जी, हां जी, ट्राई नहीं करेंगे? नहीं, आप प्लीज ट्राई कीजिए। आज आई एम नॉट रियली वेल,
तो आज आप ट्राई कीजिए। तबीयत ठीक नहीं है सीरियसली, पर ये लग बहुत अच्छा रहा यार। दिस इज लुकिंग वेरी गुड। ओहो अच्छा, यूं खाया जाता है, सब मिला के खाया जा रहा है। या इट्स ऑसम एक्चुअली। या इट्स ऑसम। जब मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं किसी को भी कैसे खिला सकती हूँ। और इसका जो फ्लेवर टेस्ट है स्पेशली विद चीज, आप वो बहुत ही मजेदार है। अच्छा, आप चीज चाहें तो इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मोर चीजी, थोड़ा पूरा डीप इसको। नहीं नहीं, वो नहीं ले पाऊंगा। क्यों? ज़्यादा ना, I'm not, अच्छा, you're not well. मुझे ऐसा ना वॉमिटिंग की नौजिया किसी फीलिंग है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ इट इज। मुझे तो ये मैं ये मैंने इसलिए खाया बिकॉज आई सॉ यू हैविंग इट, सो डिलीशियस, सो यम्मी, और मुझे भी खाना चाहिए। लेट्स सी। ओके ओके, इट इज रियली डिलीशियस एक्चुअली। नो नो नो, it is really, thank you so much sir. आप तारीफ करते हैं, मेरा दिल बड़ा हो यार। मैं आई स्वेयर आई कुड यू नॉट। Beautiful. Really? Thank you so much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाजिया, wonderful यार, wonderful. This is really good, very good chief. और घर पे try जरूर सबने करना है। आप तो try बाद में कीजिएगा, अभी ये लोग try करेंगे, आप देखिएगा। छोटा सा break है जी। अरे बहुत अच्छा है फराज, बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। आज बारी इन लोगों की नहीं है। Break है। अच्छा break है, छोटा सा break है जी, मिलते हैं break के बाद। बारी नहीं, नहीं मैं बताऊंगी।